यू नो इफ यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हम 11-0 उनसे जीते हैं, तो एक रियलिटी ये भी होगी कि हम हारेंगे, कभी ना कभी हारेंगे, चाहे आज हारे, 10 साल बाद हारे, 20 साल बाद हारे या 50 साल बाद हारे, बट यू नो ऐसा नहीं हो सकता कि यू विल ऑलवेज कीप विनिंग। टॉकिंग टू वेव कि वो जो इंडियन प्लेयर्स की है ना, जैसे ये जो आपके यादव साहब हैं या पंत साहब हैं, या वो इंडियन पिचेस के ऊपर खेल के, इसी तरह इंडियन पिचेस आर लाइक दिस, और टीम में क्या है, दो अच्छे बॉलर हैं, एक्सप्रेस बॉलर, टू और थ्री मीडियोकर बॉलर्स, इंडियन पिचेस, वहां तो कोई भी स्कोर कर सकता है। अभी जो आईपीएल हुई है इधर यूएई में, तो क्या स्कोर है, 130-140। तो हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम उस तरह से क्रिकेट नहीं ज़्यादा हुई, तो इनकी इमेज जो है वो जितने होने चाहिए, जितना बड़ा शहनशाह अफरीदी को स्टार अब होना चाहिए, वो बुमराह बुमराह करते हैं। वट इज़ बुमराह इफ़ यू कंपेयर विद। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। और आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहितों का, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के, उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, पाकिस्तान इसे इस्लाम की जीत बता रहा है, पाकिस्तान के ये मिनिस्टर हैं ये इस्लाम की जीत बता रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जीत बता रहे हैं, दुनिया के मुसलमानों की जीत बता रहे हैं। आप समझ सकते हो खेल को रिलीजन से कौन जोड़ रहा है। और भारत में हालांकि ये टॉपिक बिल्कुल भी कवर नहीं किया जा रहा है। भारत में मोहम्मद शमी को किसी 10-15-20 लोगों ने इंस्टाग्राम पर गालियाँ दे दी, उससे 100 गुना ज़्यादा गालियाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल को पढ़ रही हैं, उनको सब भूल गए। आपको भी पता है जब इंसान गाली देता है तो दिमाग से पैदल हो जाता है, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता, माँ बहन, धर्म, जात पात सब भूल जाता है, हर कुछ भूल जाता है और गाली देता है। तो ये टॉपिक है जो मोहम्मद शमी का, ये इस समय इंडियन ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। सचिन, सहवाग सब आई एम विद शमी, आई एम विद शमी। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवरहाइप्ड हो गया, अगर इसे इग्नोर भी करते तो भूल जाते। ये होता रहा है कि भाई होता रहा है, ये होता रहा है, और मोहम्मद शमी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अब सब लोग इस टॉपिक पर पड़ गए हैं। हालांकि इससे आप देख सकते हो कि दूसरे टॉपिक कौन से, भारत में जो फटाके फूटे हैं, फायर क्रैक बर्न हुए हैं, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर, आपको पता है जम्मू को अलग करके मैं कश्मीर जो वैली, उनके लोगों के अंदर कितनी नफरत है वो आपको पता है, वो तो बचपन में माम ने दूध के साथ नफरत का स्पेशल लिक्विड पिलाया है उनको, तो उनके अंदर की जो नफरत है ना वो आप कर, और नफरत किस बात की कि भाई हम इस देश में क्यों हैं, ये वो धर्म, धर्म के आधार की नफरत है, सीधी सी बात है, नफरत है ना, ये नफरत वाला वायरस नहीं जाएगा उनके अंदर, चाहे वो वहाँ पे 370 कर दो, चाहे कुछ कर दो, तो ये नहीं जाएगा। लेकिन जो दिल्ली में या भारत के 25 करोड़ की आबादी भारत में, तो जो भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर कई जगह फटाके फूटे हैं। अगर कोई मुस्लिम इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट करेगा कि ये सब झूठ है, तो भाई ये 20 साल पहले अगर मान लो सोशल मीडिया ना होता तो ये बात हम भी कहते कि झूठ है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, भारत के मुसलमान भारत की मैच की हार पर क्यों फटाके फोड़ेंगे। लेकिन आज के सोशल मीडिया के टाइम पे वीडियोस आ जाते हैं, अब वो कहेंगे कि यार ये वीडियो फेक है, भैया 50 लोगों ने वीडियो बनाए, कई जगह से आए वीडियो, कश्मीर वाले वीडियो तो हम इग्नोर कर रहे हैं, चलो कश्मीरी जो है तो वो ऐसा उनका मतलब एक प्रकार से डीएनए में ही जहर भरा है, तो डीएनए मतलब ब्लड में जहर भरा है तो वो तो ऐसा करेंगे, लेकिन दिल्ली, बहुत सारे इलाके, मुंबई, इंस्टाग्राम की स्टोरी, स्क्रीनशॉट, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मतलब बता देती है कि यार इनको कहीं ना कहीं इंडिया की हार और मैं खुशी मिल रही है इस तरीके की। ये तो मैच था दोस्तों, पाकिस्तान से भारत को कभी ना कभी तो वर्ल्ड कप में ये रिकॉर्ड टूटना था, मैच है, मैच में कोई भी जीत सकता, कोई भी हार सकता, चाहे कितनी भी मजबूत टीम हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2005 में हारी थी किससे, बांग्लादेश से इंग्लैंड में हारी थी। आप स्कोर कार्ड देखें 2015 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, और 5 देखें और उसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया टीम उस टाइम पर हारी थी, कितनी मजबूत टीम थी उस टाइम तो ऑस्ट्रेलिया की,
उसको हराना इम्पॉसिबल था, मतलब कोई भी टीम उसे हरा नहीं पाती थी, बांग्लादेश ने उसे हराया। तो ये तो कभी भी होगा भाई, होगा, हो सकता है आने वाले समय में शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो जाए और इंडिया जीत जाए। तो मैच है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस की, पाकिस्तानी मीडिया वाले बोल रहे हैं कि इंडियन बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, तो भैया ओवर कॉन्फिडेंस इंडियन टीम नहीं थी, टीम का कोई लेना देना नहीं स्टार के मौका मौका सॉन्ग से, या मीडिया जो आज तक वाले सलाम क्रिकेट कर रहे हैं, फलाना क्रिकेट कर रहे हैं, कवियों को बुला रहे हैं, बस कविताएं चल रही हैं, ये वो, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ये चीजें ना होती तो भी आप लोग यही कहते कि ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, भाई मैच जीते हैं बस वही रिकॉर्ड है, बाहर अच्छा खेले पिछले 10-15 साल से, भले टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे हैं उतने ज्यादा, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब आपको बताते हैं कि बहुत सारे भारत के इलाकों में फटाके चले, आपको भी पता है कल भारत की जीत में, कई कांग्रेस कह रहे हैं भाई ये तो करवा चौथ के फटाके, करवा चौथ में कभी फटाके नहीं फूटते, मतलब यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंडिया की जो पाकिस्तान की जीत है मुझे उससे इतना ज़्यादा गम नहीं है जितना ज़्यादा ये फटाके और ये सब चीज़ें देख के दिमाग ख़राब होता है कि यार यहीं के लोग यार क्यों फटाके वगैरह फोड़ते हैं। हालांकि पूरे लोग नहीं करते होंगे यार, पूरे लोग डेफिनेटली ऐसा नहीं करते होंगे। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की जीत का सेलिब्रेशन किया गया है कल, बांग्लादेश में बहुत बुरी तरह हारा श्रीलंका से, लेकिन वहाँ पे जिस व्यक्ति ने फटाके फोड़ने की कोशिश की उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं ये स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करूँगा वीडियो के बाद लास्ट में, या कहीं पे भी आप देखेंगे वो न्यूज़ पढ़ेंगे, पाकिस्तानी कह रहे हैं ना बांग्लादेश में भी सेलिब्रेशन किया गया है। गाइज ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो और पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानी रिफ्यूजी हों, और गलती से अगर अफगानी रिफ्यूजी बम, मतलब बम वो वाले बम नहीं, ये दिवाली वाले या फटाके जो होते हैं नॉर्मल फायर क्रैकर, ये फोड़ना शुरू कर दे तो पाकिस्तानी को कैसा लगेगा, आप समझ सकते हो कैसा लगेगा, समझ जाओ आप। ये अब इसके पीछे कई लोग लॉजिक देंगे कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंडिया का अगर मैच होता है, हालांकि ये मैच कभी होगा ही नहीं, आपको भी पता है क्यों नहीं होगा, तो इंडिया में बैठा हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड का डाई हार्ट फैन बोलेगा कि भाई कुछ भी हो जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगा, मैं मिठाई बंटवा दूंगा, फटाके फोड़ूंगा, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें आप, आपको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री रही है, क्या रिलेशनशिप रहे, और उस वजह से यहाँ पर फटाके फोड़ना बनता नहीं है, आप उस टीम के कितने भी डाई हार्ट फैन हो, है ना, ये बात एक सच है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे इंडिया की हार का इतना गम नहीं है जितना ये फटाके और फायर क्रैकर्स का है, और अगर सामने वाले लोग ये चीज़ करके खुश होते हैं तो फिर भाई भारत सेकुलर कंट्री, हम चूती हैं, हम गधे हैं, और क्या, फोड़ो फटाके, और कुछ नहीं कर सकते हम, है ना, बस यही है और क्या बोलूँ मैं। और सामने वाला फिर कुछ रिएक्शन देगा तो उस पर कहेंगे विक्टिम कार्ड और ये सब आएंगे, जैसे कि अभी मोहम्मद शमी को लेकर फ्री फंड में उसको मतलब 10-15-20 लोगों ने गाली दी और बस ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल फालतू का मैटर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है, और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने उस पर ट्वीट कर दिए, सहवाग, सचिन, इन्होंने आई एम विद समी। हालांकि सहवाग ने यह भी ट्वीट किया कि जो फायर क्रैकर्स कल दिल्ली में उनके आसपास बहुत फूटे हैं, वो मतलब उन्होंने इस पर भी गुस्सा जताया है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों क्या है मौका, और अब ये पाकिस्तानी वाले बोल रहे हैं कि मौका मौका क्यों मना रहे हैं, भाई मौका मौका प्राइवेट ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स का, इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। आपका प्राइवेट चैनल भी बहुत कुछ बनाता है, क्या बनाता है, वो पॉपुलर नहीं होती, हिट नहीं होती तो उसको लोग देखते नहीं है, मौका मौका हिट हो गया तो इसे लोगों ने देख लिया, आपके क्या विचार है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पाकिस्तान के मीडिया के वीडियो अभी बिल्कुल हेट से भरे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ वीडियो लगा नहीं रहा हूँ, बस वहाँ से हेट ही हेट आ रहा है, तो हेट अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं हेट भी दिखा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।